क्या ही मजाक है। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे चाचम चुच्ची के बारे में जो इंस्टाग्राम पर हगने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ओह माय गॉड, वाओ। अगर अभी तक कानों में हेडफोन नहीं डाले हो तो डालो, क्योंकि हम आज करने वाले बहुत सारे खेल। गाइस देखो कितना मोटा है, थोड़ा यार उठ नहीं रहा मेरे साथ, देखो बहुत मोटा है गाइस, देखो हथौड़ा। गाइस बोलकर दुनिया को क्या दिखा रहे, उसे अपने अंदर डाल और निकलती बन। वैसे भी तेरे जैसे बकचोदी करने वालों की कमी नहीं है, गली के हर नुक्कड़ पे मिलते हैं थोक के भाव। बात तो सही है, अपना तो एक ही मंत्र है, हंसना सबके साथ है, फंसना किसी के साथ नहीं। तेरे को कोई फंसाने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि तू बकचोदी के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और तेरा आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो पोलियो का मरीज दर्द से चिल्ला रहा हो। अपना तो एक ही मंत्र है। सो गाइस, मैं कैसी दिखती हूँ, क्यूट ब्यूटीफुल एंड सेक्सी या कुछ और? तू बकचोदी करने वाली मरियल सी मरीज दिख रही है। अगर ऐसे ही बकचोदी करती रही तो किसी दिन मरा हुआ भी कब्र फाड़ कर ठोक के चला जाएगा। जितना बड़ा तुम्हारा घमंड है ना मेरी जान, उतना बड़ा तो मेरा हुनर है। हुनर तेरे इशारे से ही सब समझ गए होंगे कि तेरा क्या बड़ा है, और दिख भी रहा है तेरा हुनर कितना बड़ा है। अरे बाबा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जो लड़के सच्चा प्यार ढूंढ रहे हैं, क्या उनको मैं नजर नहीं आ रही हूँ? तू सच्चा प्यार करने वाली लग तो नहीं रही, पर हाँ मैं इतना मानता हूँ कि तू बकचोदी और इंस्टा पे हगने के अलावा कुछ कर नहीं सकती, और सच्चा प्यार तेरे से अजी घंटा। हम कहाँ से देखेंगे इतनी सारी पब्लिक, हम तो अभी अभी मंगल ग्रह से पृथ्वी पर बीजा लेके आए हैं। पहले चने उबाल के खाए जाते थे, अब इतना मत सोचो, अभी भी उबाल के ही खाए जाते हैं चने। आज घंटा मेरा, तेरी बकवास वाली बकचोदी से लोग तेरी बात नहीं मानने वाले, क्योंकि सबको मालूम है चना खाते कैसे है। तू बिना मतलब का बकचोदी करी जा रही। बात तो सही है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हाँ भाई हो सके ना तो एक कमेंट जरूर कर देना। तो टेक केयर, बाय बाय, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते बेल आइकन भी प्रेस कर देना।